चाहता हूँ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने वाली है। नए भारत के निर्माण में इसकी भूमिका निर्णायक होगी। इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हम सब पर है और ये नई शिक्षा नीति इस बात का संदेश भी देती है कि हर प्रकार के विकास कार्य अपनी मातृभाषा में भी संभव है। दुनिया के जो 6-7 प्रमुख विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने जो विकास किया है वो उनकी मातृभाषा के आधार पर किया है। चीन में चाइनीज भाषा है, फ्रांस में फ्रांस की भाषा अलग है, जर्मन में जर्मनी भाषा है, जापान में जापान की भाषा है। ऐसे जो विकसित राष्ट्र हैं दुनिया में, अपनी भाषा के माध्यम से ही हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने का काम किया है और भारत सरकार ने ये नई शिक्षा नीति इसी उद्देश्य से बनाया हो और क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देने का काम किया है। निश्चित रूप से मातृभाषा में पढ़ाई के साथ साथ पसंदीदा विषय चुनने की आज़ादी देने वाली इस शिक्षा नीति का लक्ष्य सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने का है। भारत के सांस्कृतिक वैभव को पुनः स्थापित करने और भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाने वाली इस शिक्षा नीति को सफल बनाने में आपका और हमारा सबका योगदान जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस प्रकार के कामों को